हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्रेडिट होता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड। ये बनता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बिजनेस पार्टनरों को सैलरी दे रहा है, एक बिजनेस पार्टनरों को कमीशन दे रहा है, एक बिजनेस पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। तो वो सब सारी चीजों को हम लोग दिखाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स लोग बिजनेस को देता है, इसलिए वो क्रेडिट में जाता है। तो एक क्वेश्चन है, छोटा सा शॉर्ट में हम इसको लिखे हैं, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन का समरी है ये, दो पार्टनर्स है ए एंड बी, उन लोगों का कैपिटल है ओपनिंग 4 लाख एंड 3 लाख, रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2, नेट प्रॉफिट है 1,42,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, सैलरी है इतना। तो आफ्टर वन ईयर एक प्रॉफिट जो आया है 1,42,500, ये पार्टनर्स लोग में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए, तो उसके लिए हम लोग बना लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम लोग नेट प्रॉफिट डाल दिए, जो आप लोगों को पता है नेट प्रॉफिट बीडी 1,42,500। अब पार्टनर्स लोगों को फॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है, तो फॉर्म्स के लिए ये सब क्या है एक्सपेंसेस, क्या दिया फॉर्म्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ए को दिया, अब ये कैसा आया सर 5% है, 5% ऑफ 4,20,000, 5% ऑफ 3,15,000, बट गया, बात समझ में आ गया। उसके बाद सैलरी केवल बी को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सैलरी प्रोवाइडेड टू बी 30,000, तो सैलरी टू बी 30,000। अब क्या किए हम लोग, 1,42,500 में 65,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो बैलेंस आ रहा है 1,09,000, नहीं 77,500। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2, 77,500। तो इनका मिला इतना और बी को मिला इतना, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए प्रॉफिट। सर पार्टनर्स ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी ये सब डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है कि लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए डेबिट हो रहा है। अब यही सैलरी यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन रिसीव कर रहा है, पार्टनर रिसीव कर रहा है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में वही सब क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल डालते हैं, बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, तो पोस्ट कर दीजिए 4 लाख और 3 लाख, वो इसमें से नहीं आएगा, वो क्वेश्चन में से आएगा। और अगर ड्रॉइंग्स होता तो ड्रॉइंग्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉइंग्स को और कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, इस क्वेश्चन में तो है नहीं, तो पोस्ट नहीं करना। अब सिंपल हो गया आपके लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। एक साल तक बिजनेस कर रहे हैं ए एंड बी, एक साल पहले बिजनेस स्टार्ट किए, वन ईयर बिफोर जब बिजनेस स्टार्ट किया ए और बी, तो कैपिटल कितना था 4 लाख एंड 3 लाख। आफ्टर वन ईयर बिजनेस करते 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 उन लोगों का कैपिटल बढ़कर या घटकर कितना हो गया है, न्यू कैपिटल कितना हो गया, उसको पता करने के लिए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू फाइंड न्यू कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स।
उसमें भी दो केस है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग और व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो अभी हम लोग बात करें व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो क्या फ्लक्चुएटिंग का मतलब कैसे, बिजली बढ़ता घटता तो घर में बोलते वोल्टेज बढ़ रहा है घट रहा है, तो क्या बोलते फ्लक्चुएट हो रहा है। तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, किसी रीजन से वैल्यूज बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बढ़ेगा अगर प्रॉफिट वगैरह होगा पार्टनर्स को, और घटेगा अगर पार्टनर्स को लॉस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या मिल रहा है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस प्रोवाइड करवा रहा है तो बिजनेस के लिए डेबिट, वही पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो बाई क्या लिखिएगा बोलिए, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 20,000 और 15,000। सैलरी मिल रहा है उसमें डेबिट, तो पार्टनर्स के लिए वही चीज क्रेडिट, बाई सैलरी बी को 30,000 बाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया है, यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उस साइड होता तो यहां पे आता इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और लॉस होता तो यहां पे आता पीएल अप्रोप्रिएशन, बट इस क्वेश्चन में तो है नहीं तो इसको क्लोज कर दीजिए। इधर का सम माइनस इधर का सम तो निकल जाएगा बैलेंस सीडी, तो प्लस कीजिए 4,24,66,500। इनका आएगा 0,00673,376,000 देख लीजिएगा, प्लस माइनस चेक कर लीजिएगा। इधर तो डेबिट में कुछ है नहीं, कुछ लॉस ड्रॉइंग तो किया नहीं पार्टनर्स लोग, 4,66,500 3,76,000। तो जब ये लोग बिजनेस स्टार्ट किया तो इन लोग का कैपिटल था 4,00,000 और 3,00,000। एक साल तक पार्टनर्स लोग बिजनेस किया, अब उन लोग का कैपिटल बढ़कर कितना हो गया है 4,66,500 और 3,76,000। तो यही फाइंड आउट करना कहलाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरली यही बनाते हैं। लेकिन एक केस और है, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, नहीं ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग तो ये है, कैपिटल्स आर फिक्स, तो वो बताएंगे उसमें कैपिटल फिक्स रहेगा, सारा ट्रांजेक्शंस करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कैपिटल फिक्स वाला बताएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको ले लीजिए और उसके बाद अभी हम लोग व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो वो वाला बात करने वाले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हेन कैपिटल्स आर, यहां पे क्या था फ्लक्चुएटिंग, तो अब क्या हो जाएगा व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स हो जाएगा इसका मतलब, जैसे बैंक में आप लोग सुने होंगे फिक्स डिपॉजिट और एक होता है करंट अकाउंट, तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है आप लोग अपना पैसा एक बार बैंक में डाल दिए तो एक टाइम तक वो फिक्स रहता, ना तो उसमें आप पैसा और इंट्रोड्यूस कर सकते हो और ना ही उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हो, मतलब वो फिक्स है फिक्स है फिक्स है। तो वही कैपिटल जब फिक्स है मतलब कैपिटल अपना दरवाजा बंद कर लिया, इसमें केवल ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल ही आ सकता है, ये सब जो सैलरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ड्रॉइंग है ये सब चीज इसमें नहीं आएगा, ये अपना दरवाजा बंद कर लिया। तो कैपिटल्स आर फिक्स, तो बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल डालेंगे, और अगर क्वेश्चन में होगा ओपनिंग कैपिटल के अलावा कैश लाया है न्यू कैपिटल तो वो डालेंगे, इसमें तो नहीं है।
तो 4 लाख ओपनिंग कैपिटल है और 3 लाख ओपनिंग कैपिटल है ए एंड बी का, तो क्लोजिंग कैपिटल भी वही निकलेगा 4 लाख और 3 लाख। तो कैपिटल क्या है, ये फिक्स है। फिक्स है मीन्स इसमें ना तो कैपिटल बढ़ेगा और ना ही घटेगा करेंट ईयर के ट्रांजैक्शन से। तो सर ये सब कहां शो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, ये सब कहां जाएगा? तो इन सब के लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू शो ऑल करेंट ईयर ट्रांजैक्शंस वी प्रिपेयर न्यू अकाउंट्स, दैट न्यू अकाउंट दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट अभी बनाते हैं।